कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने अपनी रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। रेलवे के खाली लगभग 1.5 लाख पदों को भरने के लिए तकरीबन 2.5 करोड़ लोग परीक्षा देंगे। आवेदकों को बीते 2 वर्षों से इस समय का इंतजार था। परीक्षा का आयोजन 3 चरण में किया जाएगा, जबकि पहले चरण की ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। अधिकारियों की माने तो भारतीय रेलवे ने इस बाबत अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रेलवे बोर्ड के मानव संसाधन निदेशक आनंद के खाती ने बताया कि भर्ती की परीक्षा 3 चरण में होगी। पहले चरण की परीक्षा 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच चलेगी, जिसके लिए ई कॉल लेटर 11 दिसंबर की शाम 4 बजे से डाउनलोड किया जाने लगा था। इसमें आइसोलेट एंड मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के स्टेनोग्राफर, शिक्षक और अनुवादकों के 1663 पदों के लिए 1.3 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनके लिए कुल 354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा 28 दिसंबर से मार्च के मध्य तक चलेगी। इसमें कुल 3,05,208 पदों के लिए 1.1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। परीक्षा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। परीक्षा की तैयारियों के बारे में सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव को जानकारी दे दी गई है। परीक्षार्थियों के आने जाने के लिए सभी मंडल के रेलवे अधिकारी को सूचना दे दी गई है। जरूरत पड़ने पर विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इंडियन प्राइम न्यूज़ से ब्यूरो रिपोर्ट।